जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे कि ICDS क्या है तथा इसके कार्य क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस चैनल अर्थात SF कोचिंग सेंटर पे प्रतिदिन 8:30 रात को एक वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप लोग वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ICDS का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ICDS का पूरा नाम क्या है तथा इसका क्या कार्य होता है और इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए ICDS को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसे हिंदी में कहते हैं समेकित बाल सेवा योजना, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ICDS का पूरा नाम क्या है, ठीक है, समेकित बाल सेवा योजना, या इसे कह सकते हैं एकत्रित बाल सेवा योजना, बाल अर्थात चाइल्ड, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो आप लोग तो जान गए कि ICDS का पूरा नाम क्या है और ICDS को हिंदी में क्या कहते हैं। अब जान लेते हैं कि ICDS क्या है और इसका क्या कार्य है। तो देखिए ICDS 1975 ईस्वी में भारत में लागू हुआ, मतलब स्थापना हुआ, कब हुआ, 1975 ईस्वी में, ठीक है। कोई भी पूछे कि ICDS कब बना या कब स्थापित हुआ, तो आप लोग कहिएगा 1975 ईस्वी में हुआ, ठीक है, कब हुआ, 1975 ईस्वी में। अब इसका क्या क्या कार्य था तथा इसका क्या उद्देश्य है, अब जान लेते हैं। देखिए इनका कार्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए इनका कार्य होता है कि 6 वर्ष के नीचे तक के बच्चों के कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित व्यवस्था करना और उस पर संबोधित करना, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, मतलब कि 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को शिक्षित करना, उसके बाद कुपोषण से दूर करना, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना तथा अन्य कार्य, ठीक है। तो आप लोग जान गए कि इनका क्या क्या कार्य होता है, या ये भी कह सकते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक की बच्चों को शिक्षा प्रवाहित करवाना, संबोधित करना, कुपोषण का शिकार ना होने देना, टीकाकरण कराना और स्वस्थ रखने का उपाय बताना तथा काम करना, ठीक है। चलिए ये तो जान गए कि कार्य क्या था, ठीक है, अब जान लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। उद्देश्य भी देख लेते हैं। उद्देश्य देखिए इनका उद्देश्य था, देखिए उन्होंने यह सेवा 1975 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है, इनका यह सेवा कब लागू हुआ, 1975 ईस्वी में लागू हुआ, और इनका उद्देश्य था कि मतलब 6 वर्ष से कम बच्चों तथा गर्भपात महिलाओं और स्तनपान माताओं के मृत्यु दर में कमी लाना तथा जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनको इनकी दर को कम करना, ठीक है, इनका उद्देश्य यही था, ठीक है। तो आप लोग जान गए कि ICDS क्या है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समेकित बाल सेवा योजना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, और इनकी स्थापना कब हुआ, 1975 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। देखिए इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र आ जाता है या अन्य क्षेत्र भी आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।